friends, myself Bhani Ramlal. Welcome back in online agriculture e-platform. Today we discuss about current affair of agriculture 2019 and 20, which are helpful in agriculture competitive exam like IBPS, AFO, SBI, FCI, NABARDS and other exam. आज अपने डिस्कस करेंगे मिनिमम स्पॉट प्राइस एमएसपी, मिनिमम स्पॉट प्राइस ऑफ 2019 एंड 20, 2019 और 20 के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अपने बात करेंगे। सबसे पहले तो एमएसपी होता क्या है? देखो, एमएसपी होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा किसी फसल को खरीदने के लिए न्यूनतम मिनिमम जो प्राइस डिसाइड किया जाता है उसको अपने मिनिमम स्पॉट प्राइस कहते हैं। ये कब डिसाइड किया जाता है? जब किसी क्रॉप का सीजन आता है, उसकी सोविंग होती है, उसी टाइम इसको डिसाइड कर दिया जाता है। आज हमारा टाइटल है एमएसपी 2019-20। अभी हम खरीफ सीजन में चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है रबी का डिसाइड नहीं हुआ है। खरीफ का जो डिसाइड हुआ है वो खरीफ की सोविंग के साथ ही डिसाइड हो चुका था अपने, उसकी आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि एमएसपी डिसाइड करता कौन है। देखो, एमएसपी जो डिसाइड करता है वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी। ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसकी क्या है, एक डिसेंट्रलाइज एजेंसी है। अगर अपने इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1965 में किया था, लेकिन उस टाइम इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एपीसी बोला जाता था इसको। और 1985 में, लेट 1985 के अंदर इसका जो नाम चेंज करके कर दिया गया था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कर दिया गया था, यानी सीएसीपी, जो आज तक यही नाम चल रहा है, अपने प्रेजेंट में भी यही नाम है। अगर अपने इसके हेड ऑफिस की बात करें तो इसका हेड ऑफिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके साथ ही अटैच है। अब देखिए अपने बात करते हैं जो 2019-20 के खरीफ सीजन की क्रॉप है उनका मिनिमम स्पॉट प्राइस। यहाँ पे अपने 2018-19 के साथ 19-20 का कंपेयर भी करेंगे भी 2018-19 में क्या था और 19-20 में क्या होता है। जनरली हर साल एमएसपी बढ़ता है, मिनिमम स्पॉट प्राइस इंक्रीज होता है। जिस समय एमएसपी डिक्लेयर होता है, मिनिमम स्पॉट प्राइस डिक्लेयर होता है, उसी के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बताई जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है भी एक क्विंटल आप किसी फसल को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है। तो अब जो एमएसपी पे अपनी क्रॉप बिक रही है उसमें से खर्चा कितना लगा उसको अगर माइनस कर देते हैं, पीछे जो बच गया वो क्या है, अपनी बचत कहलाती है, यानी फार्मर की बचत कहलाती है। देखो सबसे पहले अपने बात करें खरीफ क्रॉप के अंदर पैडी की, धान की यानी चावल की, जो कॉमन है, सामान्य है, उसका 2018-19 के अंदर जो मिनिमम स्पॉट प्राइस था वो 1750 रुपीज था, जो 65 रुपीज इंक्रीज कर दिया गया 2019-20 के अंदर, और अब कर दिया गया है 1815 रुपीज। और अगर अपने पर क्विंटल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें, यानी एक क्विंटल प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, तो ये कॉस्ट है अपनी 1208 रुपीज, यानी 1208 रुपीज आप लगाते हो पर क्विंटल प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे फार्मर को अर्न होता है 1815 रुपीज। और अगर अपने देखें रिटर्न ओवर कॉस्ट परसेंटेज क्या है, यानी आपने खर्च करने पर आपको मुनाफा कितना आया, तो 50% मुनाफा आया, यानी आपने जो खर्च किया 1208 रुपए उससे आपको लगभग 600 रुपए का मुनाफा आया। देखो आप ये देख सकते हो डिफरेंस, 1208 रुपए खर्च करने पे 1815 मिले, यानी लगभग 607 रुपए का आपको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, जो आपकी कॉस्ट का 50% है। तो ये हो गया 50%, इसको अपने बोल देंगे रिटर्न आवर कॉस्ट इन परसेंटेज, यानी 15% है ये। दूसरा अपने बात करें पेडी ग्रेड ए, यानी जो अच्छी क्वालिटी का है, उसका 18-19 के अंदर प्राइस था, मिनिमम स्पॉट प्राइस था 1770 रुपीज, जो 65 रुपीज इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 1835 रुपीज कर दिया गया। नेक्स्ट अपने बात करें सोरगम ज्वार, जो हाइब्रिड है, संकर है, उसका जो मिनिमम स्पॉट प्राइस था 2018-19 के अंदर वो था 2430 रुपीज, और जो 120 रुपीज पर क्विंटल के पीछे इंक्रीज करके 2019-20 के अंदर कर दिया 2550 रुपीज। और इसके पर क्विंटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आती है वो आती है 1698 रुपीज, अबाउट ये मान के चलो कि 1700 रुपए के आसपास इसकी कॉस्ट आती है, और इसका भी जो रिटर्न आवर कॉस्ट परसेंटेज है वो 50% ही है। नेक्स्ट अपने बात करें ज्वार, जिसको देसी बोल दें या मालदांदी जो ज्वार है, सोरगम है, उसका 2018-19 के अंदर जो मिनिमम स्पॉट प्राइस था वो था 2450 रुपीज, वो भी 120 रुपीज इंक्रीज करके अब कर दिया गया है 2570 रुपीज। नेक्स्ट अपने बात करें मिलेट, बाजरा की, बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर है वो कम होते जा रहे हैं, तो हमें ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप लगानी है, और इसका जो रिटर्न ओवर कॉस्ट परसेंटेज है वो भी कमाल का है। तो पहले अपने बात करते हैं मिनिमम स्पॉट प्राइस की,
2018-19 के अंदर इसका मिनिमम स्पॉट प्राइस था 1950 रुपीज, जो इंक्रीज 50 रुपीज इंक्रीज होके पर क्विंटल के पीछे 2000 रुपीज पर क्विंटल हो गया है। और इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है पर क्विंटल का, वो आता है 1083 रुपए, 1083 रुपीज। और इसका जो कॉस्ट रिटर्न आवर कॉस्ट परसेंटेज है वो 85% है। खरीफ की फसलों में सबसे ज्यादा जो रिटर्न आवर कॉस्ट परसेंटेज है वो आपको बाजरा का ही मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है रागी। रागी की अगर बात करें 2018-19 के अंदर, तो इसका जो MSP था वो 2897 रुपीज था, जो 253 रुपीज इंक्रीज करके कर दिया गया 3150 रुपीज। और इसका पर क्विंटल का प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, वो 2100 रुपीज आता है। और इसका जो रिटर्न आवर कॉस्ट परसेंटेज है वो 50% है। नेक्स्ट बात करें अपने मेज मक्का की, तो 2018-19 में इसका मिनिमम स्पॉट प्राइस था 1700 रुपीज था, जो 60 रुपीज इंक्रीज करके 2019-20 के अंदर कर दिया गया 1760 रुपीज। और इसका पर क्विंटल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आता है वो आता है 1171 रुपीज, 1171 रुपए। और इसका भी जो रिटर्न आवर कॉस्ट परसेंटेज है वो 50% के आसपास है। नेक्स्ट अपने बात करें तुअर, तुअर बोले तो अरहर, पीजन पी। पीजन पी का 2018-19 के अंदर जो मिनिमम स्पॉट प्राइस था वो था 5675 रुपीज, जो 125 रुपीज इंक्रीज करते हुए 2019-20 के अंदर कर दिया गया 5800 रुपीज कर दिया गया। और इसका पर क्विंटल का जो पर क्विंटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आती है वो 636 रुपीज आती है, यानी 3636 रुपए आती है। और इसका जो रिटर्न आवर कॉस्ट परसेंटेज है वो 60% है। देखो बाजरा का बहुत अच्छा था, 85% था। 85% के बाद अगर आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा तो उड़द का देखने को मिलेगा, जिसको अपने ब्लैक ग्राम बोल देते हैं। और तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा वो अरहर का, बाकी ऑलमोस्ट क्रॉप का 50% ही रहता है। नेक्स्ट अपने बात करें मूंग ग्रीन ग्राम की, इसका जो मिनिमम स्पॉट प्राइस जो 18-19 के अंदर था वो था 6975 रुपीज, और जो 2019-20 में 75 रुपीज इंक्रीज करते हुए कर दिया गया 7050 रुपीज। और इसका पर क्विंटल के प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट आती है 4699 रुपीज, ये मान के चलो कि 4700 रुपए के आसपास कॉस्ट आती है। और इसका जो रिटर्न आवर कॉस्ट परसेंटेज है वो 50% है। नेक्स्ट अपने बात करें उड़द की, ब्लैक ग्राम की बात करें, तो इसका जो 2018-19 में 18-19 के अंदर जो मिनिमम स्पॉट प्राइस था वो था 5600 रुपीज, जो 100 रुपीज इंक्रीज करते हुए 2019-20 के अंदर हो गया 5700 रुपीज। और इसकी पर क्विंटल की जो कॉस्ट आती है प्रोडक्शन की वो है 3477 रुपीज, 3477 रुपए। और इसका जो रिटर्न आवर कॉस्ट परसेंटेज है वो 64% है। खरीफ की फसलों में बाजरा के बाद दूसरे नंबर पे है, और तीसरे पे अपने पीछे बात कर ही चुके हैं अरहर की, पिजन पी की। नेक्स्ट है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का 2018-19 के अंदर मिनिमम स्पॉट प्राइस था 4890 रुपीज, जो 200 रुपए इंक्रीज करते हुए 2019-20 के अंदर हो गया है 5090 रुपीज। और इसका पर क्विंटल का प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आता है 3394 रुपीज आता है। और इसका रिटर्न आवर कॉस्ट परसेंटेज है वो 50% है। नेक्स्ट है सनफ्लावर। सनफ्लावर सीड की बात करें तो 2018-19 के अंदर था 5388 रुपीज, जो 262 रुपीज इंक्रीज करते हुए 2019-20 के अंदर हो गया 5650 रुपीज, यानी 5650 रुपए हो गया। और इसके पर क्विंटल का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है वो 3767 रुपीज, यानी 3767 रुपए आता है। और इसका रिटर्न आवर कॉस्ट परसेंटेज जो है वो है 50%। नेक्स्ट अपने बात करें सोयाबीन। देखो सोयाबीन है, इसका 2018-19 के अंदर जो मिनिमम स्पॉट प्राइस था वो 3399 रुपीज था, जो 2019-20 में 311 रुपीज इंक्रीज होते हुए 311 रुपए इंक्रीज होते हुए हो गया है 3710 रुपए, यानी 3710 रुपीज।
और इसके पर क्विंटल के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आती है वो आती है 2473 रुपीज, 2173 रुपये, और इसका रिटर्न ओवर कॉस्ट परसेंटेज है वो 50% ही है। नेक्स्ट अपने बात करें सेशम यानी टिल की बात करें तो इसका जो 2018-19 के अंदर मिनिमम स्पॉट प्राइस था वो 6249 यानी 6249 रुपये था, जो 2019-20 में 236 रुपीज इंक्रीज होते हुए 236 रुपये बढ़ाते हुए ये हो गया 6485 रुपीज हो गया है, और इसके पर क्विंटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आती है वो 4322 रुपीज यानी 4322 रुपये आती है, और इसका जो रिटर्न ओवर कॉस्ट परसेंटेज है वो 50% है। नेक्स्ट अपने बात करें नाइगर सीड की तो इसकी जो मिनिमम स्पॉट प्राइस 2018-19 में था वो 5877 रुपीज 5877 रुपये था, जो 2019-20 में 63 रुपीज इंक्रीज होते हुए 5940 रुपीज हो गया, 5940 रुपये हो गया, और इसके पर क्विंटल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आता है वो आता है 3960 रुपीज 3960 रुपये, रिटर्न ओवर जो कॉस्ट है वो 50% ही है। नेक्स्ट है कॉटन, मीडियम जो स्टेपल है उसकी अगर अपने बात करें तो 18-19 के अंदर इसका मिनिमम स्पॉट प्राइस था 5150 रुपीज 5150 रुपये, जो 2019-20 में 105 रुपये बढ़ाते हुए अब हो गया है 5255 रुपीज, और इसके पर क्विंटल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आता है वो आता है 3501 रुपीज 3501 रुपये यानी लगभग 3500 रुपये। कॉटन लॉन्ग स्टेपल की अगर अपने बात करें तो इसका मिनिमम स्पॉट प्राइस था 2018-19 में 5450 रुपीज, जो 100 रुपये इंक्रीज करते हुए 2019-20 में कर दिया गया 5550 रुपीज 5550 रुपये। तो ये खरीफ सीजन की जो क्रॉप थी उनका मिनिमम स्पॉट प्राइस। नेक्स्ट अपने सुगर केन की बात करते हैं। देखो सुगर केन के अंदर मिनिमम स्पॉट प्राइस नहीं होता, सुगर केन के अंदर होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। देखो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कौन डिसाइड करता है, कैसे करता है, वो बाद की बात है। पहले अपने बात करें 2019-20 का जो सुगर केन का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है वो 275 रुपीज पर क्विंटल है, 275 रुपये पर क्विंटल है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर CCE जिसको EA बोल देते हैं, उसका चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। देखो जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है जिसको अपने FRP बोल देते हैं, ये जो CACP अभी हमने डिस्कस किया था मिनिमम स्पॉट प्राइस के लिए, उसके द्वारा ही रिकमेंड किया जाता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा ही रिकमेंड किया जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग रिकमेंड किया जाता है, अगस्त 2018 के अंदर प्राइस पॉलिसी फॉर शुगर केन थी उसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया जाता है। और जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस 2019-20 के लिए है वो सेम का सेम 2018 और 19 का था, 2018-19 का जो FRP था वो ही 2019-20 के लिए है। हाँ, लेकिन यहाँ पे CCEA ने यहाँ पे एक और घोषणा की है, एक और अनाउंस किया है कि जो शुगर केन है उसका नॉर्मल जो रिकवरी परसेंटेज है यानी इसे चीनी बनने की जो परसेंटेज है वो 10% है, तो अगर इससे ज्यादा रिकवरी परसेंटेज आता है तो पर 0.1% रिकवरी परसेंट पर फार्मर को 2.75 रुपीज प्रीमियम के रूप में दिया जाएगा। अब अपने बात करें कि FRP का फायदा क्या होता है, जैसे मिनिमम स्पॉट प्राइस का फायदा है वैसा ही FRP का फायदा है भी। आप क्या है इसको, कोई भी क्रॉप है उसको MSP या शुगर केन की बात करें तो FRP से नीचे नहीं खरीद सकते, जिसे पूरी कंट्री के जो फार्मर है उनको एक जैसा प्राइस मिलता है या फिर एक जो मिनिमम है उससे नीचे उनको नहीं मिलता है। लेकिन अपने कुछ एक स्टेट की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, इनके अंदर जो स्टेट एडवाइज प्राइस है उनके अकॉर्डिंग जो शुगर केन के फार्मर है उनको पैसा मिलता है, और ये जो प्राइस है या फिर ये जो पैसा मिलता है ये FRP से ज्यादा है, इसलिए ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आज अपने बात की थी मिनिमम स्पॉट प्राइस और FRP फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन की बात की।